बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 3 2018 का जो पीएमएस का पेपर था उसका पार्ट टू पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। 51 है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो वो है वीनस। ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है। और ये अर्थ का हमसाया है, यानी पहले नंबर पर मरकरी है, दूसरे पर वीनस, तीसरे पर अर्थ है, ठीक है। ये हमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म स्टार है, प्लैनेट है, ठीक है। प्लैनेट है, स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है, ठीक है। प्लूटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल। जो प्लेटो है, जिसे अफलातून कहते हैं, वो अरस्तु का टीचर था, उस्ताद था, ठीक है। ये प्लेटो है, उसका जो स्टूडेंट था वो अरिस्टोटल था। इसने थ्योरी दी थी आइडियलिज्म की। आइडियल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, ये रियलिज्म यानी कि रियलिटी के बारे में बात करता है। दोनों एक दूसरे के ओपोजिट थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1913 में। और कांग्रेस को कब छोड़ा था? 1920 में। 1934 में परमानेंट सदर बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे, किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ठीक है। इसके बाद है, और कह रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल भी थे। 54 है, द जलियांवाला मास्करे टुक प्लेस इन अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में ना एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने ना मुसलमानों पर बहुत फायरिंग की थी और काफ़ी जो लोगों को शहीद किया गया था। तो ये वाक़या अप्रैल 1919 में पेश आया था। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर है जलियांवाला बाग? ये अमृतसर में है, इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू रोइंटजन। रोइंटजन को दिया गया था पहला नोबल प्राइज़ फिजिक्स का। किसको दिया गया था? रोइंटजन को। क्यों दिया गया था? इन्होंने एक्सरे मशीन बनाई थी, तो इस वजह से इनको दिया गया था। एक्सरे मशीन बनाई थी रोइंटजन ने, ठीक है। इसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है ना, वो एंशियंट यानी कि जिंदगी के सात अजूबे हैं ना, तो एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसके बाद है 58, 200 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम, फ्रॉम विच 180 कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन एग्ज़ाम एंड 7% पास्ड। हाउ मैनी वर फेल्ड? 54। 59 है, इफ़ एफ़ इज़ इक्वल टू 28 एंड वाई इज़ इक्वल टू 51, देन एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 56। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद है 60 क्वेश्चन, 60 है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का कौन से थे? प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी? तो ये थे जोहान्स ग्यूटनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो प्रेस प्रिंटिंग कापियों वाली मशीन, किसने बनाई थी? जोहान्स ग्यूटनबर्ग। इसके बाद है 61, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। येन किसकी करेंसी है? जापान की। इसके कैपिटल का नाम है टोक्यो, ठीक है। और ये जो है, ये पैसिफिक ओशन में एक जजीरा है, वहाँ पर ये वाक़या है, मतलब, ठीक है। द राइजिंग सन ऑफ द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो सूरज है सबसे पहले जापान में निकलता है, ठीक है। इफ़ ए कम्प्लीट अ जॉब इन 20 मिनट्स एंड बी इन 30 मिनट्स, इफ़ दे डू द सेम जॉब टुगेदर, हाउ मैनी टाइम्स मिनट्स विल दे टेक। यानी कि ए 20 मिनट में काम करता है और जो है बी जो है वो 30 मिनट में, दोनों अगर मिलकर काम करें तो वो कितने मिनट में करेंगे? ये सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसका आंसर, तो वो करेंगे 12 मिनट्स में, ठीक है। 63 क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर। कॉपर के किसके जखायर? कॉपर के जखायर पाकिस्तान में कहाँ पर हैं? तो वो चागी से है। सी से कॉपर सी से चागी, ठीक है। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है, कचूरा लेक इज़ सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। कचूरा लेक इज़ लोकेटेड इन या सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान में है। पटेला इज़ प्रेजेंट इन, ये पटेला एक जो होती है वो हड्डी है, तो ये कहाँ पर वाक़या होती है इंसानी जिस्म में? ये नी की हड्डी है यानी कि घुटने की हड्डी है। 66 क्वेश्चन है, 66 है, वर्किंग बाउंड्री इज़ अ बाउंड्री बिटवीन इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान। हेल्ड कश्मीर को इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, ये कश्मीर है समझ लें, ठीक है। और ये आधा जो है वो इंडिया के पास है, ये इंडिया के पास है, ये पाकिस्तान के पास, ये इंडिया के पास है,
और ये पाकिस्तान के पास है। तो जो ये बाउंड्री होते हैं ना, इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। तो जो वैसे पाकिस्तान मसलन ये तो कश्मीर है ना, तो जो ये पाकिस्तान ऐसे बचा हुआ है, तो जो ये बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है, उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, आगे है व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम का क्या मतलब होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 68 है URL इज एन एब्रीविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, को कहते हैं URL। आगे 69, वाइफ ऑफ बिल गेट्स इज़ द CEO ऑफ गेट्स फाउंडेशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर वाइफ? मेलिंडा बिल गेट्स, मेलिंडा बिल गेट्स। और जो बिल गेट्स हैं वो अब नाना बन चुके हैं। आज के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि वो नाना बन गए हैं। उसकी जो बेटी है, उनके जो नेल नासर, जो इजिप्ट से मुसलमान है ना, नाइल अल नासर, उनके साथ शादी हुई थी, तो उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो जो बिल गेट्स हैं वो नाना बन चुके हैं, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के ये बानी हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, जो ये विंडो कंप्यूटर में होती हैं, उनके ये फाउंडर हैं। ठीक है, इसके बाद है द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज़, सियाचिन ग्लेशियर की माइल्स में लेंथ है 49। और ठीक है, इसकी 49 है, एक जगह मैंने पढ़ी थी इसकी 76 है किलोमीटर। ठीक है, तो आप अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये 49 माइल्स है। ठीक, आगे है 71, परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इज इन विच स्टेट? रखीन में हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों का ना एक स्टेट है, रोहिंग्या मुसलमानों के म्यांमार में, तो वहाँ एक स्टेट रियासत है रखीन, वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। ठीक है, रखीन। खाद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, खाद किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो वो अफगानिस्तान की है। 73, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर, चकोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। आबे हयात वाज रिटन बाय मोहम्मद हसन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बुक का नाम है आबे हयात, आबे हयात, आबे हयात। ये बहुत बार पेपरों में आता है, ये किसकी बुक है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बुक का नेम है। ठीक है, आबे हयात। इसके बाद है 75, सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में वाक़िया है। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ नेपाल, नेपाल, ये नेपाल है, हिंदुओं की स्टेट है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही है वो नेपाल है। 77 है, द नोबल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, नोबल प्राइज़ जो है वो सिक्स फील्ड में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ कब शुरू किया गया? 1969 में, 1969 में। और जो वैसे नोबल प्राइज़ 1901 में पहली बार दिया गया था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का है वो 1969 में पहली बार दिया गया। ठीक है, इसके बाद है मालाबार इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मद्रास, मालाबार जो है मद्रास का, मदारस का जो है, ये इंडिया में है एक रियासत या एक स्टेट है, तो उसे कहते हैं मालाबार, जो है वो इसका पुराना नेम था। इसके बाद है 79, द मूड ऑफ अ पर्सन स्विंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर इज़ ड्यू टू बाईपोलर डिसऑर्डर, की वजह से होता है।